एक अगस्त से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना महंगा पड़ेगा। कार्ड के जरिए जरूरी पेमेंट करने पर बैंक भारी भरकम चार्ज वसूलने वाले हैं। वहीं अगस्त महीने में कई दिनों तक बैंक में छुट्टी रहेगी। साथ ही अगस्त में बदले हुए नियम आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे। जुलाई का महीना खत्म होने जा रहा है। 1 अगस्त से देश में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अगस्त महीने में अगर बैंक से जुड़ा कोई काम हो तो घर से निकलने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बैंक हॉलीडे लिस्ट पर नज़र डालकर ही निकलें। इस पूरे महीने में 13 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इनमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस जैसे विभिन्न अवसरों के चलते बैंकों में अवकाश रहेगा। इन छुट्टियों में दूसरे व चौथे शनिवार और रविवार को पड़ने वाला साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए 1 अगस्त की तारीख से बड़ा बदलाव होगा। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए किराए का भुगतान महंगा पड़ेगा। अगर आप क्रेड, पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज से पेमेंट करते हैं तो ट्रांजैक्शन पर 1% चार्ज लगाया जाएगा। साथ ही प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट 3,000 रुपये तक की गई है। वहीं फ्यूल ट्रांजैक्शन पर 15,000 रुपये से कम के लेन देन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। वहीं 15,000 रुपये से ज़्यादा के लेन देन पर कुल राशि पर 1% शुल्क लगेगा। इसी तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। इस बार भी 1 अगस्त 2024 को सुबह 6 बजे से संशोधित दाम जारी किए जा सकते हैं। बता दें कि पिछले महीने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कई बदलाव देखने को मिल चुके हैं। इस बार 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही CNG PNG के दाम भी संशोधित किए जा सकते हैं। 1 अगस्त 2024 को भी इनकी नई कीमतें सामने आ सकती हैं। बता दें कि इससे पहले अप्रैल महीने में ATF की कीमतों में कटौती की गई थी। गूगल मैप भी 1 अगस्त 2024 से भारत में अपने नियमों में बदलाव करने जा रहा है। ये 1 तारीख से पूरे देश में लागू होने जा रहा है। बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन ने अपनी गूगल मैप सर्विस पर भारत में लिए जाने वाले चार्जेज को 70% तक कम करने का ऐलान किया है। इसके अलावा वह अपनी मैप सर्विस का पेमेंट डॉलर की जगह भारतीय रुपए में भी लेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।